अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जा रही मामा विदेश में। कहाँ जा रहे हैं? मामा विदेश लगाने जा रहे हैं। इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं? हाँ। डॉक्टर के पास? हाँ। हॉस्पिटल में? हाँ। गुड। हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मैंने कहा चलें एक व्लॉग जो है वो हॉस्पिटल का भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे पार्क वार्क सारा कुछ जो है वो घुमा दिया था, अब रह गया था हॉस्पिटल। तो पिछले दिनों मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मौसमी बुखार और ज़ुकाम था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अबीर हॉस्पिटल में जा रहे थे शर्फिया में, वहाँ पर हमारा इंश्योरेंस कार्ड जो है वो एक्टिव है, सो हम लोग पहुँच चुके हैं अब यहाँ पर हॉस्पिटल में। तो जी यहाँ पे जी नूरहूर के बाबा जो है वो काउंटर पे गए हुए थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर की, तो हमें जो है यहाँ पे इंश्योरेंस के कार्ड के ऊपर ही सारा कुछ जो है वो मिल जाता है, मेडिसन्स भी मिल जाती हैं। सो हम लोग वेट कर रहे थे कि इनके बाबा आएँ अपॉइंटमेंट की पर्ची लेकर, तो हम जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ। इतनी देर में नूरहूर ने जो दम मचाया हुआ था, बहुत कम बच्चे थे, जाहिर सी बात है अब हॉस्पिटल में वो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। पहले तो यकीन कीजिए जब भी हम लोग हॉस्पिटल आते थे तो हमें 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता था, इतना ज़्यादा रश होता था। लेकिन अब जो है वो ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि वैसे भी अब ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं जब से टैक्सेस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो बहुत सारी फैमिलियाँ जो है वो सऊदी अरब से जा चुकी हैं, बहुत कम फैमिलीज़ रह गई हैं, इसलिए अब बाज़ार में भी जाएँ तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, ना ही हॉस्पिटल में रश होता है। जी नूरहूर के बाबा यहाँ पर लेके आ चुके थे मेरी अपॉइंटमेंट की पर्ची, मुझे 3 नंबर जो है वो मिला था, वरना पहले जब हम लोग आते थे तो कम अज़ कम हमें 40 या 45 इसके अराउंड हमें नंबर मिलता था अगर हम असर के बाद घर से निकलते थे तो। लेकिन अब इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं होते जिसकी वजह से अब रश भी नहीं होता। जनरल फिजिशियन के पास मैंने जाना था क्योंकि थोड़ा सा ज़ुकाम था मौसमी और थोड़ा सा बुखार फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलें अपना चेकअप जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है तो इन हालात में तो मेरे ख्याल में हमें बहुत बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ख़ासकर बच्चों के साथ रहना होता है तो माओं को तो और ज़्यादा जो है वो ख्याल करना चाहिए अपनी सेहत का। तो जी हम लोग अब वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी, जब हमारा नंबर जो है वो ऊपर डिस्प्ले होगा तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना था और इतनी सी देर में नूरहूर ने इतनी ज़्यादा शरारतें कर ली थी, पूरा हॉस्पिटल इन्होंने ऊपर नीचे सारा घूम लिया था, तकरीबन 5 से 10 मिनट का हम लोगों को वक्फ़ा मिला होगा और इतनी सी देर में इन्होंने जो है ना वो खूब अपने मज़े से शरारतें वरारतें कर ली थी। तो जी उसके बाद हम लोग अब पहुँच चुके थे जी टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो है वो ब्लड टेस्ट लिख के दिया था जो कि मुझे करवाना था, तो मैं अब चली गई थी अंदर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो ये मुझे पर्ची मिल गई थी क्योंकि रिपोर्ट जो है वो 3 घंटे बाद मिलनी थी, हमने कहा 3 घंटे यहाँ पर क्या ज़ाया करने, तो इतनी देर में हम लोग कुछ थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। आज बड़ी मुश्किल से जो है वो हसनैन साहब हमारे हत्थे चढ़े थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो है वो बाहर घूम लिया जाए। कैसे लगाया था? ऐसे क्या लगाया था? ऐसे क्या लगाया था फिर? मम्मा को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा दिया।
जितनी देर में रिपोर्ट आनी थी उतनी देर में हम लोगों ने बाहर घूम लिया था, और उसके बाद अब हम लोग दोबारा आ गए थे हॉस्पिटल की पार्किंग में। तो जी वहाँ से अब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। दोबारा हमने कहा चलें चलते हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए। रिपोर्ट्स जो है वो ऊपर जाना पड़ता था, तो हमें जो है वो दो लिफ्टें बदल कर जो है ऊपर जाना पड़ता है रिपोर्ट्स लेने के लिए। अदरवाइज़ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो वैसे ही जो बंदा बीमार हो ना वो डबल ही बीमार हो जाता है। सो जी हम लोग अब वेट कर रहे थे कि कब जो है वो लिफ्ट आएगी और हम लोग जो है ऊपर जाएंगे। एक लिफ्ट के ज़रिए से हम ऊपर चढ़े थे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम लोग जा रहे थे सेकंड फ्लोर पे। तो जी नूर हूर जो है वो बड़ी मज़े से खड़ी थी, इनको आज जो है वो बड़ा मज़ा आया क्योंकि तकरीबन आज का पूरा दिन इन्होंने जो है वो बाहर गुजारा था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे ख्याल में सेकंड फ्लोर पे जहाँ से हम लोगों को जो है वो मिलनी थी रिपोर्ट। तो हमने वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट की और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं फिर से नीचे डॉक्टर के पास। जाहिर सी बात है फिर से डॉक्टर को जो है वो हमने रिपोर्ट दिखानी थी। हमने वैसे कुछ ज़्यादा ही टाइम बाहर गुजार लिया था, रिपोर्ट हमारी कब से आ चुकी थी। तो जी यहाँ पे हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि कब हम डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से हम लोग जो है मेडिसिन लिखवाएं और उसके बाद हम लोग फिर घर जाएं। तो जी हमारा नंबर जो है वो आने वाला था, तो हमने डॉक्टर से पर्ची वगैरह ले ली थी सारी। तो उसके बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और जा रहे थे हम लोग अब मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन जो है वो हमें बाहर से मिलनी थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हसनैन साहब जाकर और मेडिसिन लेके आएं क्योंकि इंश्योरेंस पे लेनी होती है तो वो इसलिए हॉस्पिटल के अंदर से ही मिलती है। तो जी नूर हूर बाहर खेल रही थी, यहाँ पर कुछ पौधे वगैरह लगे हुए थे और यहाँ पर भी इनको चैन नहीं था आ रहा। इनके बाबा होते हैं ना तो वो फिर भी इनको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्टली पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे से ये बड़ी मुश्किल से संभाली जाती हैं, लेकिन फिर मेरे से डांट भी बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं। वैसे इनके बाबा इनको कम डांटते हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा डांट रही होती हूँ। तो अब यहाँ पर इनकी भरपूर कोशिश थी कि ये ग्रिल पे से जंप करके तो अंदर चली जाएँ कि जी हमने ये लाइट से खेलना है, जी इन पौधों से खेलना है, अंदर फूल लगे हुए थे उनको तोड़ना है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा शरारती, सारे बच्चे शरारती होते हैं। तो आप लोग बताइए जी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है, और आप लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते, या खुद से घर में मेडिसिन ली, कोई टैबलेट शैबलेट ली और जी बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड हो तो आपको ज़रूर 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 और बहुत ही जल्दी जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि पूरा दिन जब हॉस्पिटल में हम लोग स्पेंड करते हैं तो खाना नहीं बनाना पड़ता हम औरतों को, तो जी मियाँ साहब जो है फिर बाहर से हमें खाना भी खिला देते हैं कि जी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी हॉस्पिटल गए हुए थे तो हस्बैंड जो है वो लेके जाते हैं और अब हमारा मनपसंद खाना खिलाते हैं कि जी क्या खाना है आपने, क्या पीना है आपने। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बीमार नहीं होती हूँ, और लेकिन ये है कि हसनैन साहब मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं खाने पीने का, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह पूछते रहते हैं क्या खाओगी क्या खाओगी, तो जो मैं बोलती हूँ वो ला कर देते हैं। और नूर हूर का तो ख़ास कर इतना ख्याल रखते है ना जिसकी इंतहा कोई नहीं। अभी नूर हूर जो है वो मुंह से फरमाइश कर ही रही होती हैं कि बाबा हमें ये खाना ये लेना, फौरन से हाजिर करते हैं। मेरे ख्याल में हर बाप की ऐसी आदत होती है, सबको बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, और वक्त भी यही होता है लाड उठवाने का। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे खूब सारे लाड उठा रहे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ जाता है, तो वो ज़रा लाड भी कम हो जाते हैं और लाड शायद जो है वो किसी और तरीके के हो जाते हैं। चले खैर ये तो एक अलग बात है जी। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस घर की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जो है वो शर्फिया जा रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल भी शर्फिया में है, साथ ही इसके मार्केट है, तो जहाँ से आपको खाने पीने की सारी चीज़ें जो है इंडियन पाकिस्तानी खाने जो है वो मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन होटल भी हैं और पाकिस्तानी होटल भी हैं। तो जी हसनैन साहब आप लेने जा रहे हैं खाना, क्या लेके आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनको यहाँ की एक बिरयानी है वो पसंद है, शायद वो लेके आएंगे क्योंकि रात के टाइम भी अक्सर ये इनकी फरमाइश होती है कि चने बिरयानी खा ली जाए, तो शायद बिरयानी ही लेके आएंगे। तो खाना लेकर फिर हम लोग जाएंगे जी अपने घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, बच्चे भी थक चुके थे, मैं खुद भी थक चुकी थी। हॉस्पिटल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है, भले ही हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी
आपको पता है इधर जाओ उधर जाओ और बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। और फिर जब हमें खून देना पड़ता है ना, पूरी सुरिंज भर लेते हैं तो वो एकदम से जो है हमें ना वीकनेस ही फील होना शुरू हो जाती है। पता नहीं आप लोगों को होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है जब भी मैं जो हूँ ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। तो जी ये आप देख रहे हैं शर्फिया में काफ़ी ज़्यादा रश है इस वक्त, क्योंकि रात का वक्त है तो इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो बाहर निकले होते हैं। तो शर्फिया मेरे ख्याल में पहले भी आपको घुमा चुकी हूँ, अब फिर से आप लोग देख लें जी कि ये शर्फिया के रोड हैं और क्या चमक धमक है। पाकिस्तानी इंडियन लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं, यहाँ पे आकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो उर्दू बोलने वाला होता है। तो आप इजीली यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने का जो कुछ आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। जब भी आप लोग सऊदी अरेबिया में आएँ, जद्दा में आएँ, तो ये शर्फिया का इलाका आप ज़रूर घूमिएगा, तो आपको पाकिस्तान की याद आ जाएगी। हम लोगों को भी यहाँ आकर ना बिल्कुल पाकिस्तान जैसा फ़ील होता है और पाकिस्तान की याद आ जाती है। तो जी हसनैन साहब खाना लेके आ चुके हैं और दोबारा से हम गाड़ी में बैठकर जो है वो अब घर की जानिब जा रहे हैं। तो घर में जाकर आराम से सुकून से बैठ के खाना भी खाएंगे। आज का हमारा साथ बस यहीं तक का था। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।